हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पबजी कंट्रोल्स लेआउट पर, जहां पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा लेआउट आपके लिए बेस्ट होगा और क्या आपको क्लॉ या फाइव फिंगर या सिक्स फिंगर खेलने की ज़रूरत है भी या नहीं, और क्या सिर्फ जायरोस्कोप ऑन करने से आप एक अच्छे प्लेयर बन पाते हो या नहीं। सो सीज़न 13 में मैंने फाइव फिंगर लेआउट प्लस जायरो में गेम खेलना स्टार्ट किया था, जो कुछ वन वीक में मेरा पूरा मसल मेमोरी इस लेआउट पर हो गया था। मैं वो लेआउट को जल्दी सीख पाया क्योंकि उससे पहले मैं फोर फिंगर खेलता था बिना जायरो के। सो जायरोस्कोप सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट फाइव फिंगर में मुझे मूवमेंट लिमिटेड लगे, जिगल हार्ड होता है थोड़ा फाइव फिंगर में। सो मैंने फोर फिंगर में फिर से इस सीज़न में शिफ्ट किया एंड अभी फ़िलहाल मेरा पूरा लेआउट फोर फिंगर्स का जो है वो चेंज किया मैंने, क्योंकि अब मैं जायरोस्कोप ऑलवेज़ ऑन रख के खेलता हूँ। सो अभी ये लेआउट मुझे सबसे बेस्ट लगा एंड मेरा गेम प्ले भी जो है वो बहुत सही इम्प्रूव हो रहा है। हमको भी प्रो प्लेयर बनना है ना, इसलिए। सो आप अपना बेस्ट लेआउट कैसे बना सकते हो? वेल, आपको एक्सप्लोर करना है पूरा लेआउट अभी का आपका, कि कौन सा ऑप्शन स्क्रीन पे कहाँ पे होना चाहिए, पिक करने का, स्कोपिंग का, फायर बटन का, डिपेंडिंग कि आपके फिंगर्स कहाँ पे स्क्रीन पे जल्दी रिएक्ट होते हैं। टू फिंगर्स अब बहुत हार्ड है मास्टर करना कंपेयर टू फोर फिंगर। फोर फिंगर आप जल्दी सीख सकते हो, टू फिंगर्स हार्ड है क्योंकि उसमें रिएक्शन टाइम ज़्यादा होना चाहिए और आप पैनिक नहीं हो सकते हो ज़्यादा। अब सारे प्लेयर्स इम्प्रूव हो रहे हैं और टू फिंगर्स पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मास्टर करने में, बट स्टिल टू फिंगर क्लोज रेंज में बेस्ट है, जैसा जोनाथन का है। अब उसका रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया है बहुत। सो आप किसी का लेआउट कॉपी करके नहीं इम्प्रूव हो सकते हो, वो लेआउट उस प्लेयर ने अपने लिए कस्टमाइज़ किया। आप रेफरेंस के लिए लो पर अपने फिंगर्स एंड रिएक्शन टाइम के हिसाब से कस्टमाइज़ करो। सेम चीज़ सेंसिटिविटी में भी होती है, वो भी कस्टमाइज़ करो अपने हिसाब से, पूरा कॉपी मत मारो। सो बात करते हैं जायरो की, कि क्या जायरो से गेम और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। वेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके लिए। जायरो बेस्ट है 1v2 सिचुएशन में, जब आप एक एनिमी से दूसरे एनिमी पे गन स्प्रे शिफ्ट करते हो। ये मेरा मेन रीज़न है जायरो पे खेलने का। बाकी रिकॉइल कंट्रोल थोड़ा बेटर है जायरो पे, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब आप कोई न्यू लेआउट बनाते हो तो बस उसको ट्रेनिंग ग्राउंड पे प्रैक्टिस मत करो, आर्केड या अरीना खेलो ज़्यादा, क्रॉस हेयर पे भी फोकस करो। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भी, जो हमें एक अच्छा प्लेयर बना सकता है, वो है कि शांत रहना और पैनिक कम से कम होना। सो प्रैक्टिस करते रहो एंड सो अभी तो इतना ही, हम और भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। एंड दोस्तों, मैं भी कोई प्रो प्लेयर तो नहीं हूँ, पर ठीक ठाक खेल लेता हूँ। सो जितना नॉलेज मुझे मिल रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ख़ुद भी इम्प्रूव हो रहा हूँ। एंड इस चैनल पे सिर्फ पबजी के टॉपिक्स एंड वीडियोस नहीं होंगे, और भी गेम्स एंड डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।